फ्रेंड्स स्वागत है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल विकास किंग में। तो आज किस वीडियो में हम देखने वाले हैं GDS 2023 का कट ऑफ, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस बार कितना कट ऑफ जाएगा। तो सबसे पहले हम आंध्र प्रदेश का देखेंगे। आंध्र प्रदेश में UR वाले जो हैं वो 95% से सिलेक्ट हो गए थे, ठीक है। SC वाले हैं 93 और ST वाले हैं 93, ठीक है, और OBC है 95, EWS वाले हैं 93 और PWD 91। यानी अगर आपका 90% है और आप आंध्र प्रदेश से आते हो तो आप इसके लिए फॉर्म डाल सकते हो, आपका सिलेक्शन हो सकता है। 90% तक चांसेस हैं, ठीक है, 90% वाले आप डाल सकते हो। और इस बार 2024 में इसकी कितनी वैकेंसी है आंध्र प्रदेश की, इसकी वैकेंसी है 1355, ठीक है, 1355 वैकेंसी आई है इस बार। तो आप अगर 90% वाले हो तो आंध्र प्रदेश से आप फॉर्म डाल सकते हो। नेक्स्ट देख लेते हैं असम। असम का है UR का है UR का कितना है 92, ठीक है, और 86 है SC वालों का। 86 में SC वालों का हो गया था, ST वालों का था 86.5, ठीक है, और 89 OBC का। OBC का असम में कितना है 89, ठीक है। EWS में है 96, 2023 का कट ऑफ बता रहा हूँ मैं आपके लिए। और PWD का है 76.333, ठीक है। यानी अगर आप 75% तक आते हो और असम से हो तो आप डाल देना, ठीक है, आपका सिलेक्शन हो सकता है। 75 या 80 तक आप डाल सकते हो, ठीक है, सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि PWD वालों का 76 में नाम आ गया था अगली बार, ठीक है, असम में। असम के बाद देखते हैं अपन, असम में इस बार 2024 में कितनी वैकेंसी आई है, इस बार आई है 896 वैकेंसी असम में। असम में कितनी आई है 896 वैकेंसी। उसके बाद देखते हैं बिहार। बिहार में सबसे ज़्यादा कट ऑफ है, ठीक है, UR में 97 UR में। SC वालों का है 95% और ST वालों का भी 95%, ठीक है, और उसके बाद OBC 97% 97 बहुत ज़्यादा है, 97%, ठीक है। EWS ये है 95% और PWD का कितना है 86.1667, ठीक है। बिहार में कितनी वैकेंसी आई हैं इस बार देखते हैं। बिहार में आई हैं 2558 वैकेंसी, 2558 वैकेंसी कब आई हैं 2024 में, ठीक है, 2024 में 2558 वैकेंसी आई हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं छत्तीसगढ़ का टॉप। छत्तीसगढ़ का है 95 UR का, ST का है 91.5 और ST का वही मान लो 90%, ठीक है, 90 वाले डाल सकते हो। OBC का 95, EWS का 93 और PWD का है 87, ठीक है। अगर आपका परसेंट 85 तक है तो आप इसमें ज़रूर से डाल देना बिहार में, ठीक है, सॉरी छत्तीसगढ़ में, अगर आप छत्तीसगढ़ से आते हो तो आप डाल देना। नेक्स्ट देख लेते हैं गुजरात। गुजरात का कट ऑफ है 92, 92, 89, 92, 91 और 18%। अगर आपका 80% है तो आप डाल सकते हो, ठीक है। इसी प्रकार हरियाणा से देख लो, हरियाणा का सबसे कम कट ऑफ गया था हरियाणा का 2023 में, देखो 88 गया था, 81 था SC वालों का और 81 ST वालों का, 82 था OBC वालों का और EWS का पता नहीं, यही नहीं है, ठीक है, और 79 था PWD का, ठीक है। कट ऑफ कम इसलिए गया था हरियाणा का क्योंकि उस बार वैकेंसी बहुत ज़्यादा आई थी, इस बार वैकेंसी हरियाणा में नहीं आई। सिर्फ कितनी वैकेंसी है हरियाणा की, हरियाणा की है इस बार 241। तो अगर आपका 90% है तभी डालना क्योंकि इस बार वैकेंसी कम आई है। और अगर आप चाहते हो कि 85 और 80 भी डाल सकते हो, अगर आपका 85 और 80% है तो भी आप डाल सकते हो, ठीक है, क्योंकि 2023 में कट ऑफ कम गया था तो 2024 में भी कम जा सकता है, चांसेस हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं अपन हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश का था 98, 93, 93, 95, 95 और 86। यानी आपका 85% तो होना ही चाहिए अगर आप हिमाचल प्रदेश से हो तभी फॉर्म डालना। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर का है 97, 95 और 96, 95 और 87। तो इसमें भी कम से कम 85% हो तभी डालना, ठीक है। झारखंड में देख लेते हैं। झारखंड में गया था 97, 95, 95, 97 और 95 और 91। अगर आपका 85% से कम है और आप झारखंड से आते हो तो डालने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है।
नेक्स्ट देख लेते हैं अपन, अब देखते हैं मध्य प्रदेश वालों का। देखो 95 है किसका, यूआर वालों का, और एससी वालों का है 94, उसके बाद एसटी वालों का कितना है, एसटी वालों का 88 मानकर चलो ठीक है। उसके बाद एसटी वालों के बाद ओबीसी का था 96, ये 96% है वो किसका है, ओबीसी का ठीक है। ईडब्ल्यूएस का है 91 और पीडब्ल्यूडी जो है 87, यानी 90% तक आप डाल सकते हो इसका फॉर्म अगर आपका 90% है ओबीसी में है। लेकिन इस बार 80% तक जाने का चांस है, क्योंकि इसलिए है इस बार वैकेंसी कितनी आई है मध्य प्रदेश में, सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए आई है 4,011 वैकेंसी सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए आई हैं। अगर आपका 80% है और आप एमपी से आते हो तो ज़रूर फॉर्म अप्लाई करना, क्योंकि चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कट ऑफ कम जाने के, क्योंकि वैकेंसी बहुत ज़्यादा आई हैं मध्य प्रदेश में 2024 में ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं आप किसका देखेंगे, आप देख सकते हो महाराष्ट्र का 95, 92, 93, 94, 88 ठीक है। तो आप डाल सकते हो अगर आपका 85% है तो, महाराष्ट्र से आप आते हो तो ठीक है। उसके बाद आप अपने स्टेट का भी देख लीजिए, जैसे कि पंजाब, पंजाब में देखते हैं 98, 95, 95, 95, 92, 87, तो इसका भी लगभग अगर आपके पास 85% है तो आप डाल सकते हो ठीक है, पंजाब में आ रहे हो तो आप। राजस्थान का देखते हैं, राजस्थान का यू आर के लिए 95 और एस सी के लिए 93, एस टी के लिए 93, ओबीसी के लिए 95 और ई डब्ल्यू एस के लिए 92 और पी डब्ल्यू डी के लिए 87 ठीक है। तो आप डाल सकते हो अगर आपका 85% है तो ठीक है राजस्थान में। इसी प्रकार से आप देख सकते हो तमिलनाडु 98, 97, 96, 97, 96, 89 ठीक है। तेलंगाना का देख लीजिए कितना है, 95, 93, 95, 95, 93, 91 है ठीक है। मतलब अगर आपका 85% है तो आप डालो ठीक है, फॉर्म डालो, नाम आ सकता है आपका। उत्तर प्रदेश का है, मैं देख लेते हैं उत्तर प्रदेश का 97, 97, 97, 97, 93, 92। हाँ इस बार उत्तर प्रदेश में भी कट ऑफ कम जाने के चांसेस हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा वैकेंसी उत्तर प्रदेश में ही आई है। कितनी आई है 2024 में वैकेंसी 4588 वैकेंसी हैं इस बार ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में भी कट ऑफ कम जाने के चांसेस हैं ठीक है। उत्तराखंड का देख लेते हैं अपन, उत्तराखंड में 95, 90, 94, 95, 93 और 85 ठीक है। और वेस्ट बंगाल का देख लेते हैं ठीक है, पश्चिम बंगाल का कितना है 96, 93, 88, 95, 90 और 85 ठीक है। इस प्रकार से मैंने आपके लिए सभी कट ऑफ बता दिए ठीक है, बता दिए। अगर आपका इतना परसेंट है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो ठीक है फ्रेंड। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।